गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ड एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। मैंने साउथ एशियन में इंडिया की कैप्टन रह चुकी हूँ और उसमें हमारी इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है, और इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच हुई थी उसी में भी हमारी इंडिया टीम को गोल्ड मेडल मिला है वहाँ पे, और एशियन चैम्पियनशिप जो इंदौर हुई थी, थर्ड एशियन चैम्पियनशिप, उसी में ही हमारी इंडिया टीम को गोल्ड मेडल मिला है। आपकी उम्र के जो बालक बालिकाएँ हैं, छात्र छात्राएं, उनको क्या मैसेज देना, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? आप कौन सा ही गेम हो, उस गेम में जो हमारी आज के युग में जो हमारे जो बालक है वो मोबाइल का यूज बहुत ज़्यादा कर रहे, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप मोबाइल से बाहर रह के हमारे बच्चों को ग्राउंड पे लेके आए, और उनको ग्राउंड क्या है और ग्राउंड से क्या उपलब्धि हो सकती है वो उनको बताएं। आप महाराष्ट्र से हैं, आज राजस्थान अजमेर पधारे हैं, डीएवी कॉलेज में आपका सम्मान किया गया है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं दयानंद कॉलेज की मैं आभारी हूँ कि आज मेरा और मेरे गुरु का आज सम्मान किया, तो एक मुझे बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज मेरा और मेरे गुरु का, अभी मुझे 1 तारीख को अर्जुन पुरस्कार की ट्रॉफी मिलने वाली है, उससे ही पहले मुझे दयानंद कॉलेज ने आज मुझे यहाँ पे ट्रॉफी दी, तो उससे मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। एक आप संबोधन में एक बात कही थी आपने, एक टाइम खाना खाया, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके लिए क्या कहना? जो जिस परिस्थिति से मैं गुजारी थी कि एक दिन का भी मुझे खाना नहीं मिलता था, आज खोखो ने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया है वो आप देख रहे हो कि आज मुझे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और खोखो के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो मेरे मन में कुछ चल रहा था कि मेरे ऊपर जो एक फिल्म आ रही है तो उसमें से जो मुझे थोड़ा फार पैसा आया था, तो मैं गरीब खिलाड़ी जो है उनके लिए मैंने डोनेट कर दिया था उसी दिन, 1 लाख रुपए का चेक मैंने गरीब खिलाड़ियों को उस टाइम दिया था, तो वो प्लेयर के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने उस दिन किया था। मैम क्या मानते हो, कितना टफ गेम है ये खो खो, क्योंकि आजकल पहले से ज़्यादा बहुत टफ गेम होता जा रहा है, कि अब पहले मिट्टी में खेला जाता था, अब मैट पर आया है, अभी जो जनवरी फरवरी में जो अल्टीमेट लीग आ रही है डाबर ग्रुप के माध्यम से, उसमें जो पहले खो खो खेला जाता था उससे ज़्यादा उसमें नियम बदल चुके हैं, कि पहले जो खो खो था उससे बेहतरीन तरीके से आप खो खो देखने के लिए आपको सबको मिल जाएगा। डीएवी कॉलेज में आज एक बहुत बड़ा दिवस है, जिसमें कि खो खो की जो नेशनल चैंपियन और अर्जुन अवार्डी हैं सारिका काले जी, और उनके जो गुरु हैं चरणजीत जी, आज उनको हमने बुलाया अपने कॉलेज में और उनको सम्मान समारोह में एक तो इनवाइट किया है हमने, और इनको सम्मानित करने पर हम खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हस्तियां जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपनी गेम में, खो खो में पूरे विश्व में नाम कमाया है, आज हमारे दयानंद कॉलेज के प्रांगण में है, और इसके लिए हम इनको बधाई भी देते हैं, इनका धन्यवाद भी करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह, आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है, पाए 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर, विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, तनिष्क टाटा की पेशकश।